नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से आपको रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का हमारा जो है चैप्टर नंबर 11 का सेट प्रैक्टिस होगा और इसका पार्ट नंबर डी। ठीक है, और आज हम सेट 21 करेंगे। ठीक है, और इसमें आपका बिना व्याख्या का जो है क्वेश्चन होगा, ओनली क्वेश्चन है विदाउट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आपका जो व्याख्या वाला क्वेश्चन होगा उसको अलग प्लेलिस्ट में हम बना देंगे। ठीक है, जब आपका ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन वीडियो है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर नंबर 11 पार्ट नंबर डी, धातु व अधातु मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट नंबर डी, चौथा चौथा वीडियो इसका। ठीक है, तो आज इसका आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 का। तो देखिए आपके सामने 150 से स्टार्ट होगा, तो 149 से पढ़ लेते, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो केवल वे धातु ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातु है, जो धातुओं को प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में बैस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ऊपर होती है। तो केवल वे धातु ही पानी से हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकती है जो धातुओं की प्रतिक्रिया क्षमता श्रृंखला में आपका हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं। 150 का क्वेश्चन नंबर क्विक सिल्वर किससे कहते हैं, ऑप्शन बी मरकरी को, क्विक से आपका मरकरी को कहते हैं। ठीक है, 151 है स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया, तो ऑप्शन नंबर सी हैरी ब्रियरी ने किया था। तो स्टेनलेस स्टील आपका हैरी ब्रियरी ने किया था। ठीक है, 152 का आपका क्वेश्चन नंबर है डैश का प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में प्रयोग होता है। तो डैश का प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रशीतन आपका जो है रेफ्रिजरेशन में प्रयोग होता है। ठीक है, तो आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया था। 153 क्वेश्चन नंबर आपका टोकाई टोटोकाई सोल्डरिंग के लिए क्या किसका प्रयोग किया था, तो आपका सोल्डरिंग के लिए किसका प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर बी सीसा एवं टीन की मिश्र धातु का प्रयोग किया था। तो सोल्डरिंग के लिए सीसा एवं टीन की मिश्र धातु का प्रयोग किया था। 154 आपका क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। तो निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा। ठीक है, 155 उस धातु का नाम बताए जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, तो 155 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका जो है सोडियम। ठीक है, तो उस धातु का नाम बताए जिसे आसानी से चाकू से काटा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम को। ठीक है, 156 नंबर थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, तो थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी आयोडीन आवश्यक है। ठीक है, तो थायरोक्सिन के लिए थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए आपका जो आयोडीन आवश्यक है। 157 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है, ऑप्शन नंबर सी सोडियम। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु केरोसिन तेल में संग्रहित होती है, आपका सोडियम। 158 आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सोडियम को। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सोडियम को। नेक्स्ट आपका 159 आपका निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी बीस अस्मित। तो आपका जो है निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है, आपका बीस अस्मित आपका बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है। 160 आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है, धनायन है, ऑप्शन बी अमोनिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है, आपका अमोनिया धनायन है। ठीक है, 161 यदि घोल से धातु ए तथा धातु बी को प्रतापित करती है तो धातु एक आपका क्या है, तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए आपका जो बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगी। ठीक है, 162 है निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता, ऑप्शन नंबर सी बीस स्मित। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु जो है अधातु दोनों के रूप में ही कार्य नहीं करता, ऑप्शन नंबर बीस स्मित। ठीक है, 163 आपका निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का यौगिक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका हीरा आपका कार्बन का यौगिक नहीं है, बाकी आपका डोलोमाइट संगमरमर और आपका जो चौक आपका कार्बन का यौगिक है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का यौगिक नहीं है, तो आपका हीरा पर कार्बन का यौगिक नहीं है। 164 है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती, ऑप्शन बी एल्युमिनियम का ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती। ठीक है, 165 में क्वेश्चन आपका डैश कार्बन का एक अप्रूप नहीं है, तो क्या आपका कार्बन का एक अप्रूप नहीं है, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन का एक अप्रूप नहीं है। 166 से आधात्विक गुण बढ़ता है, ऑप्शन नंबर डी सोडियम से क्लोरीन से, तो आधात्विक गुण आपका बढ़ता है सोडियम से क्लोरीन तक। ठीक है, तो सोडियम से लेकर क्लोरीन तक आधात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है,
167 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप से तरल रूप में होती है? ऑप्शन में सी पारा में। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप से होती है? ऑप्शन में सी पारा में। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है? तो सबसे कठोर आपका प्राकृतिक पदार्थ कौन सी है? तो आपका है हीरा, ठीक है। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका हीरा, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 169 में खोजा आपका कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जाता? ऑप्शन सी सोडियम का प्राप्त, सोडियम को प्राप्त नहीं किया सकता, ठीक है। 170 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से धातु ठंडे पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता? ऑप्शन डी आपका पोटेशियम का। तो निम्न में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता? तो आपका पोटेशियम का। 171 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करता? ऑप्शन डी जस्ता का। तो निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे को विस्थापित करता? आपका जस्ता करता, ठीक है। 172 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? ऑप्शन बी चांदी। तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती? आपका चांदी नहीं करती। 173 आपका, निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़े को ज्ञात करें? ऑप्शन मर्जी आपका ये और भी गलत है। तो आपका तांबा कॉपर और आपका जो है सोना सिल्वर गोल्ड आपका ये आपका गलत है, ठीक है। बाकी आपका जो है मरकरी प्लैटिनियम और सिल्वर आपका सही है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन नंबर जो है पारा का एचजी होता है, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर गलत दिया हुआ, ठीक है। इसका आंसर जो गलत है, इसका आंसर डी होगा, सिर्फ सी आपका पारा का एपी गलत आपका, ठीक है। ये आपका गलत है, ठीक है। पारा का एजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 124 है, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिला था? तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से उसमें क्या मिलाया जाता? ऑप्शन नंबर सी कार्बन मिलाया जाता, ठीक है। तो लोहे को कठोर बना और मजबूत बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता, ठीक है। 125 क्वेश्चन नंबर आपका, डैश सबसे जो है इसमें आपका अच्छा से नहीं है, तो 175 क्वेश्चन नंबर का है, डैश सबसे जो है रुपये यह घनशील धातु है, ठीक है। तो आपका घनशील धातु इसमें से कौन सी? ऑप्शन बी एजू आपका सबसे जो आपका सोना आपका जो है सबसे घनशील धातु है, ठीक है। निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 176 में, निम्न में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन में भी सोना आपका जो है मुक्त अवस्था में जो है धातु पाया जाता है, ठीक है। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो यहाँ पर आपका 127 लिखा, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? ऑप्शन नंबर डी आपका एल्युमिनियम करती है, ठीक है। 128 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म? तो आपका कौन सा ये जो है तीनों में हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नॉन मेटल कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म, ठीक है। तो नॉन मेटल कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म आपका डी सही है, ठीक है। 179 में कुछ आपका, धातुओं के विद्युत प्रतिरोध का सही क्रम क्या है? तो धातु की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम ऑप्शन नंबर सी एचजी ग्रेटर देन एनआई और एनआई ग्रेटर देन डब्ल्यू और डब्ल्यू ग्रेटर देन एजी होता है। तो धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम एचजी ग्रेटर देन एनआई और एनआई ग्रेटर देन डब्ल्यू और डब्ल्यू ग्रेटर देन एजी होता है। बटी निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? ऑप्शन बी तांबा आपका, तांबा आपका लचीला और कोमल है, ठीक है। 181 आपका,
निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? ऑप्शन नंबर बी 12 में होती है। तो निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? आपका 12 में होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 182, ब्याज धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम धातु पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। 183 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता क्षमता सबसे कम है? तो निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए आपका सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है, ठीक है। 184 है, लिनन जैसे कपड़े से संबंधित है उसी प्रकार सोना किससे संबंधित है? लिनन जैसे कपड़े संबंधित है उसी प्रकार आपका सोना किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी आपका धातु से संबंधित है, ठीक है। लिनन धातु से संबंधित, ठीक है। 185 है, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है, उस पद की पहचान करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर प्लेटिनियम आपका जो है आपका निम्नलिखित समूह में सही नहीं है, बाकी आपका सब आर्गन क्रिप्टन एक समूह में, ठीक है। ये आपका क्रिय गैस है, ठीक है। 186 है, डैश सबसे अधिक अधिकतय तन्य धातु है, तो डैश सबसे अधिकतय तन्य धातु है। ऑप्शन नंबर डी गोल्ड आपका सबसे अधिकतय तन्य धातु है। 187 आपका क्वेश्चन नंबर है, धातु कर्म एक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए आयसक से धातुओं को निकालने की, तो धातु कर्म एक प्रक्रिया है आयसक से धातुओं को निकालने की। 188 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ अग्र रूप से अभिक्रिया करती है? ऑप्शन बी सोडियम का, तो निम्नलिखित में से कौन सी धातु शीतल जल के साथ अग्र रूप से अभिक्रिया करती है? तो आपका सोडियम का। 189 आपका डैश रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ऑप्शन में भी आयरन, तो आयरन रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। 180 आपका क्वेश्चन नंबर है, व्हेन जिंक मेटल इज डिपेक्ट, तो व्हेन जिंक मेटल इज डिपेक्ट इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट देन आफ्टर जिंक सल्फेट इज फॉर्म, तो व्हेन जिंक मेटल इज डिपेक्ट इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट देन जिंक सल्फेट इज फॉर्म। 191 आपका क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज थ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन? ऑप्शन सी एल्युमिनियम हैज, एलिमेंट हैज थ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एल्युमिनियम एलिमेंट हैज थ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 192 है, फ्लुरेसेंस, तो फ्लुरेसेंस इन एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सी कार्बन, तो फ्लुरेसेंस इज एन, तो फ्लुरेसेंस इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। तो फ्लोरीन कार्बन का अप्रूप है, ठीक है। 193 है, डैश आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो आपका कौन इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहता है? तो 193 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। तो आप कुछ आपका क्वेश्चन बीच में इंग्लिश में दे दिया, ठीक है, तो कोई बात नहीं। धातु का स्वभाव विद्युत धनात्मक होता है, ठीक है, धातु का स्वभाव विद्युत धनात्मक होता है। 194 है, गैस सामान्यतः विद्युत तापमान उपकरणों के में प्रयोग किया था, तो क्या आपका सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया था? ऑप्शन नंबर ए नाइक्रोम, तो नाइक्रोम सामान्यतः आपका विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 185 आपका है, इका सिलिकॉन को किसके रूप में जाना जाता है? इका सिलिकॉन को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी जर्मेनियम के रूप में जाता है, इका सिलिकॉन को आपका जर्मेनियम के रूप में जाना जाता है। 196 आपका क्वेश्चन नंबर, डैश इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ऑप्शन में सी आयोडीन, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ठीक है। 197 को जब तो 197 नहीं आपका नेक्स्ट चैप्टर होगा कल, ठीक है, आपका चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपका जो है कल हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।